हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय होम गार्डनिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो मैंने रेनी और समर सीज़न के एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट एक्जोरा के ऊपर बनाया है। एक्जोरा अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है, जो कि ये छोटे छोटे स्टार जैसे सिंगल फूलों से एक बड़ा सा गुच्छा क्रिएट, एक बड़ा सा क्लस्टर क्रिएट कर लेता है। और देखिए ये गुच्छे कितने सुंदर लग रहे हैं, छोटे छोटे फूलों से बने हुए पूरा एक गुच्छा, और हर डाली में ये डाली गुच्छों से भरी रहती है। ये देखिए इसमें ये कितनी इसमें कलियां भरी हुई हैं, और ये वाला गुच्छा देखिए ये कितना ही सुंदर अपने आप में दिखाई दे रहा है। ये जो वैरायटी मेरे यहाँ लगी हुई है डीप रेड कलर की, ये आपका स्टार वैरायटी का एक्जोरा है, और ये एक गमले में लगा हुआ है, और इसकी हर शाखा जो है वो पूरी तौर पे फूलों से भरी हुई है। इस हाइब्रिड और स्टार वैरायटी के अलावा एक्जोरा कई वैरायटीज़ और कलर्स में आता है। एक इसकी मिनिएचर वैरायटी होती है, उसकी पत्तियाँ थोड़ी गोल होती हैं, और इसकी और भी वैरायटी दो एक आती हैं, परंतु मेरे गार्डन में वो वैरायटीज़ नहीं हैं। ये कलर में डीप रेड कलर में आता है, ऑरेंज कलर में आपको मिल जाएगा, येलो कलर में भी आता है, वाइट और पिंक कलर में भी आता है, लेकिन जो ये रेड कलर का एक्जोरा है इसकी ब्यूटी अपने आप में बहुत ही अधिक होती है। और मुझे ये डीप रेड कलर का ही एक्जोरा पसंद है। मैंने अपने गार्डन में इस हाइब्रिड क्वालिटी के एक्जोरा को लगा रखा है, जिसका गमला की पूरी तौर से फ्लावरों से भरा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में एक्जोरा के बारे में आपको कुछ खास पॉइंट बताऊंगी, पर इससे पहले कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए, ताकि आगे के आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक्जोरा की सनलाइट के विषय में बात कर लेते हैं कि इसको किस तरीके का सन पसंद है। एक्जोरा प्लांट जो है वो गर्मी और बरसात दोनों सीजन्स में इसी प्रकार से हैवी ब्लूमिंग करता है। आजकल हमारे यहाँ बरसात हो रही है, और देखिए इसके एक एक शाखा पे बड़े बड़े गुच्छे जो हैं वो ब्लूम कर रहे हैं। तो एक्जोरा को फुल सन में रखिए तो इसे सनलाइट बहुत अधिक पसंद है। एक्जोरा की सॉइल के विषय में अगर बात करें तो इसको गमले में लगाएं या ज़मीन में वेल ड्रेन्ड सॉइल हो, वो गमले में आपको नीचे देखना पड़ेगा कि इसका जो ड्रेनेज होल है वो बिल्कुल साफ़ हो, ताकि बरसात होने पर भी इसमें जो है वो पानी का रुकाव ना हो, ठहराव ना हो। और इसकी जो सॉइल है वो जो आप बनाएं उसमें आप गार्डन सॉइल, सैंड, उसके बाद में वर्मी कंपोस्ट, ये मिला के लगा सकते हैं। और इसकी अगर हम मैन्योर की बात करें तो इसमें अगर आप काओ डंग कंपोस्ट डालें और इसके साथ ही वर्मी कंपोस्ट डालें, तो दोनों ही खाद बहुत अच्छी हैं। जो गोबर की खाद होती है उसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो कि फ्लावरों को, फ्लावर प्लांट्स को बढ़ने में भी मदद करती है और साथ ही फ्लावरिंग में भी मदद करती है। और किसी भी तरीके से काओ डंग कंपोस्ट आपके पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन ये ज़रूर देख लीजिएगा कि पुरानी खाद होनी चाहिए। अब मैं अगर बात करूं तो ये एक्जोरा प्लांट बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। इसको आप लगा दीजिए, और लगा के अगर आप इसको, आपके पास टाइम कम है तो आप अगर इसे भूल भी जाएं और एक बार मंथ में गोबर की खाद दे दें या दो महीने में एक बार दे दें, तो ये बहुत अच्छी ब्लूमिंग अपने आप
करता रहता है और डीप रेड कलर देखने में दूर से ही पता लगता है कि गार्डन कितना अच्छा है। एक्सोरा प्लांट में मैं अपने किचन वेस्ट का जो फर्टिलाइज़र होता है उसका वाटर भी इस्तेमाल करती हूँ। इसके साथ ही जब थोड़ा सा मौसम अब ठंडा होने लगेगा तो मैं इसमें बोन मील का भी इस्तेमाल करती हूँ। उससे बोन मील पौधों को मजबूत बनाने में मदद करता है। एक्सोरा के प्रोपेगेशन की अगर हम बात करें तो ये प्लांट शाखाओं के कटिंग से बहुत आसानी से प्रोपेगेट हो जाता है और आप एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हैं। वाटर में भी अगर आप इसकी 12 इंच की एक थोड़ी सी मोटी डंडी काट लें, नीचे के पत्ते निकाल के ऊपर से कटिंग करके और उसको वाटर में डाल दें, थोड़ा सा रूटिंग हार्मोन डाल के, तो उसमें भी जड़ें निकल आती हैं। इसके साथ ही इसकी एक शाखा को काट के अगर आप मिट्टी में लगा दें तो भी ये प्रोपोगेट होकर दूसरा पौधा तैयार हो जाता है। बीज से मैंने कभी भी एक्सोरा का प्रोपोगेशन नहीं किया है, मैं हमेशा कटिंग से करती हूँ, तो इसका प्रोपोगेशन भी आसान है। ये एक बहुत खूबसूरत प्लांट है, तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि अपने गार्डन में एक एक्सोरा का प्लांट, खास करके डीप रेड कलर का, ज़रूर लगाएं। उसमें खाद दें, पानी दें और उसको थोड़ा अगर आप कम भी ध्यान देंगे तो वो इसी प्रकार के गुच्छे ब्लूम करते रहेंगे। अगर आपको मेरे ये टिप्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। बाय। हैप्पी गार्डनिंग।